दोस्तों ये हमारा क्यूनेट का वीडियो है। इसके पहले मैंने चैनल पे अपने बहुत सारे क्यूनेट पे वीडियो डाला हुआ है, आपने देखा भी होगा। आज मैं क्यूनेट पे कुछ इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं सामने जिसको मैं सोचा आपको बता दूँ। जैसे एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो लोग क्यूनेट में काम कर रहे हैं वो लोग कई महीने तक काम कर ले रहे हैं और किसी को बता भी नहीं रहे हैं। हालांकि उनको पता रहता है कि क्यूनेट में ऐसा ऐसा है, फ्रॉड चल रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। अब किस वजह से वो नहीं बता पा रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि आप अगर क्यूनेट में काम कर रहे हो और क्यूनेट में आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत रखो, आप डिप्रेशन में ना जाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद से मेरे नंबर पे, और उनको फ़ोन करके बस एक ही बात बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया। भाई पैसा ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना, 1 से 2 लाख रुपये आप दे के और आप अपने आप की पूरी ज़िंदगी को डिप्रेशन में डाल दे रहे हो, जबकि आप आगे चाहो तो कितना कमा सकते हो। उससे आप मोटिवेट हो ना, आप उसको पैसे को लेकर टेंशन लोगे तो उसमें नुकसान के अलावा फ़ायदा कुछ नहीं है। कितने सारे लोग फैमिली प्रॉब्लम से फैमिली को भी नहीं बता रहे हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, जितने भी लोग क्यूनेट में फंसे हैं सबके सब फैमिली प्रॉब्लम वाले हैं और सबको फैमिली वाले ने पहले अवेयर किया है कि ये सब फ्रॉड है, तो इस सब चीज़ में मत जा। फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती पैसा लेके लगाए हैं और बाद में सोचते हैं कि फैमिली से हम कैसे बताएं, फैमिली वाले क्या सोचेंगे। ये प्रॉब्लम सबके साथ फेस होती है, आप हिम्मत करिए, फैमिली को बताइए। फैमिली सबसे बड़ी चीज़ है, फैमिली ही आपकी हर तरह से मदद कर सकती है। फैमिली को बताइए आपकी फैमिली में कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है। आप अगर फैमिली को पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनको सच्चाई बताएंगे, तभी जाकर फैमिली को बिलीव होगा आप पे। और आगे से आप इस चीज़ को ध्यान रखें अपने दोस्तों यारों को। और सबसे बड़ी चीज़ मैं हमेशा अपने वीडियो में इस चीज़ को बताता हूँ कि आप किसी को भी आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप सबको बताइए, अवेयर करिए सबको, ताकि लोग इस चीज़ में न फंसे। ये चीज़ जो आज चल रही है इसमें लोग फंसने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि आपसे ये सब लोग जान के इसमें न फंसें। क्यूनेट से अगर पैसा निकालना है, देखिए मैंने इसकी जो मतलब प्रॉपर इसकी जो होती है उसमें मैंने देखा है कि 1 महीने का इसमें टाइमिंग दिया जाता है क्यूनेट से पैसा निकालने का। 1 महीने से ज़्यादा आपका हो गया है तो पैसा निकालना मुश्किल होता है। हालांकि आप कोशिश करके ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा हो तो, कम पैसा हो तो आप उतना मेहनत ना करें कि आप पैसा आप निकालने की कोशिश करें, उतनी मेहनत करें। इससे अच्छा आप उसको अगर उस टाइम को आप अगर पैसा कमाने में देते हैं तो उससे ज़्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि ये लोग सबसे बड़ी चीज़ क्यूनेट वाले करते क्या हैं, आप क्यूनेट की और भी जानकारी हमारे वीडियो पर जाके देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट में हर चीज़ बता रहा हूँ। क्यूनेट की बहुत सारी डिटेल जानकारी मैंने अपने वीडियो में दी है, आप उसको बाकायदा देखिए, आप हर चीज़ समझ जाएंगे। और आप अपने जितने भी रिलेशन वाले हैं सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए या फिर आप खुद बताइए, लेकिन आप इस कदम को उठाइए ताकि इस चीज़ में नौ लोग फंसे। क्योंकि देखिए इस पर सरकार भी बहुत सारी, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इस पर केस हैं, लेकिन अब आप वो तो जानते ही हैं कि किस प्रकार से चल रहा है अपना देश का ये जो कोर्ट वाला चक्कर है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग खुद से अवेयर करिए लोगों को, ताकि लोग इस चीज़ में ना फंसे। तो मैं बता रहा था आपसे कि आपके फैमिली वालों को आप जाके बताएं और इसके बारे में सबसे पहली चीज़ की देखिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें क्यूनेट में, तो जैसे कि 1 महीने की इसकी पॉलिसी होती है, 1 महीने में पैसा रिटर्न आ जाता है, जबकि कई लोग बहुत दिनों बाद भी करा लेते हैं। ये लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले आप जब पैसा दे दोगे तो एक क्यूनेट की तरफ से आपको टूरिस्ट पैक दे देंगे कि आप यहाँ घूमने के लिए, वहाँ आपके पैसे से ये लोग आपको दे देंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो 5-6 हज़ार की सामान है उसको 50 हज़ार का रेट ला के आपको दे देंगे कि लो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा वैसा फलाना ढिमका, उसका डिटेल्स दे देंगे और आपको थमा देंगे। तो इस प्रकार से ये लोग करते हैं। तो मैं बस इन लोग की ये सब चीज़ों को, आप भी जिस तरह से मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ, ये लोग से आप जब बात करोगे ना तो आप जब इस चीज़ के बारे में जान भी जाओगे, फिर भी आपके ब्रेन को जो ना इतना वॉश करेंगे कि आप उस चीज़ को नकार दो। इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पे आपको बाकायदा ये लोग बताते भी हैं कि हमको ट्रेनिंग मिलती है, बाकायदा सिखाया जाता है काम कैसे करना है, और वो काम यही होता है कि लोगों को ब्रेन वॉश कैसे करना है, इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, यही चीज़ सिखाया जाता है, यही उन लोगों का काम है। आप अपने फैमिली को लगाओ, अब आप अपने फैमिली को इस चीज़ में लगाओगे तो उसमें क्या होगा, आप पे लोग भरोसा करेंगे, आपके दोस्त यार जो भी आपको देख रहे हैं आप पे देखेंगे, अरे ये तो फैमिली को लगा रहा है। अगर गलत होता तो फैमिली को थोड़ी अपने इन्वॉल्व करेगा, सबसे बड़ा इनका टारगेट होता है फैमिली। उसके बाद से ये लोग करते हैं क्या, लोन लेवा देंगे, नहीं तो माँ के गहने गिरवी रखवा देंगे। आप तो लोन लेके फंसोगे ही फंसोगे। अब जो लोग हैं वो लोग लोन नहीं लेते हैं, कई लोग होता है पैसा इधर उधर करके दे देते हैं और बाद में फंसते ही फंसते हैं।
दूसरी चीज़ है कि ये लोग सबसे बड़ा क्यूनेट में करते क्या है कि आप अगर पैसा इनको दे दिए तब इनका सारा रंग ढंग ही बदल जाता है। हालांकि ये लोग पहले बहुत तरीके से बताएंगे जब तक कि आप पैसा न दे दो, पैसा देने के बाद रंग ढंग पूरा अच्छे तरीके से बदल जाएगा इनका। तो आप लोग बस इतना करो कि आप सब लोगों से बस इसके बारे में बताओ ताकि लोग अवेयर हों, लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से कैप्चर कर रही हैं पूरे इंडिया में। ये एक जगह नहीं, सबसे ज़्यादा इसका प्रॉब्लम है वो है दिल्ली। दिल्ली में बैठ के जितने भी कबाड़ी छाप लोग हैं जो फालतू के बैठे हैं और जो BMW का सपना दिखा रहे हैं, वो सब लोग वहाँ बैठ के सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा वहीं से चल रही है ये सब चीज़ों की। ज़्यादातर लोग कहाँ कहाँ से काम करके आते हैं, पैसा सेविंग PF वगैरह क्या क्या रख के, सब कितने सालों की सेविंग को इन लोग एक झटके में लेके टूरिस्ट पैक में बदल के दे दे रहे हैं। लो आप थामो, और इनका सामान भी प्रोडक्ट भी ऐसा ऐसा देते हैं जो कि किसी काम का नहीं है, बस नाम के लिए बता देंगे लोग कि हाँ इतनी महंगी चीज़ है, ये है वो है, ऐसा ऐसा बता के ये लोग ले जाते हैं। तो आप सभी से इतनी ही निवेदन है कि आप सबको बताओ, हर सोशल मीडिया पे हर जगह आप इस चीज़ के बारे में बताओ ताकि लोगों को, देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि इन लोग पहले पैसा देने से पहले आपकी कुछ भी नहीं बताते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग का काम है हमारा, डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, क्या है कंपनी क्या कुछ भी नहीं बताते हैं, झूठ मूठ का बस एक नौटंकी है। मैं कंपनी के बारे में उतना नहीं जानता कि मैं आपको कंपनी बताऊं कंपनी सही है गलत है क्या है, लेकिन यहाँ में जो लोग सिस्टम में काम करें वो लोग गलत हैं। हमको लगता है मुझे कि ये लोग जितने भी लोग हैं ये आपसे पैसा लेके और ये लोग खुद ही निपट ले रहे हैं, कंपनी तरफ से पैकेज दिला के आपको बस लोगों को भरमाने के लिए लगा दे रहे हैं, बाकी कंपनी में क्या काम चल रहा है इनसे आपको कोई रिलेट ही नहीं देने देते हैं, मुझे तो ऐसा भी लगता है। लेकिन क्या है डिटेल्स में इतना नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि ये लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं आपको इस चीज़ से अवेयर होना है और लोगों को भी अवेयर कराना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मेरा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, कोई भी आपको अलग से कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए और मुझे बताइए, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके आपको जो भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर मुझे बताइए।